अम्बाला शहर में नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीते दिनों नगर निगम चुनावों से पहले वार्डों को आरक्षित करने के लिए ड्रॉ निकाला गया, जिसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि बड़ौदा उपचुनावों के बाद अम्बाला नगर निगम में भी चुनाव घोषित किए जा सकते हैं। इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि नगर निगम के चुनावों को मजबूती से लड़ा जा सके। वर्ष 2018 में मेयर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अम्बाला नगर निगम को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों के साथ साथ नेताओं को चुनावों का इंतजार था। कांग्रेस चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निश्चित तौर पर नगर निगम के चुनावों के बाद मेयर भी कांग्रेस का होगा और हाउस में पार्षद भी कांग्रेस के होंगे। देखिए, जो वार्ड बंदी कल तैयार हुई है उस मुताबिक कांग्रेस ने अपनी मेहनत करनी शुरू कर दी है, कमर कस ली है चुनाव के बारे में। और इस बार जिस प्रकार से भाजपा के जन विरोधी फैसले आ रहे हैं, आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है यहाँ पर मेयर भी बनाएगी और पार्षद भी यहाँ पे कांग्रेस के जीतेंगे। आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी और पार्टी पूरी तरह तैयार है। जनता हमारा साथ देगी और हमारे उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। मेयर के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। आम आदमी पार्टी हर तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के सभी नेता इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी और हम लोग इलेक्शन जीत पाएंगे और जनता की सेवा हम लोग कर पाएंगे। मेयर पद के चुनाव के लिए भी हमारी पार्टी हर तरफ से तैयार है, हर तरीके से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता सभी हमारे साथ हैं और सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मेयर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है ये भी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। वार्ड बंदी का काम लंबे समय से लटका हुआ था, हम लगातार मांग उठाते रहे हैं। लोगों को भी जन प्रतिनिधियों की कमी महसूस हो रही थी और वह अपने छोटे छोटे काम नहीं करवा पाते थे। प्रशासन ने यह काम पूरा किया, उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। देखिए, वार्ड बंदी जो पिछले काफी समय से ये कार्य पेंडिंग पड़ा था, हमने आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से कई बार निवेदन किया भी इस कार्य को किया जाए जो कितने समय से पेंडिंग है। और लोग जो हैं अपने जो छोटी छोटी समस्याएं जो अपने जन प्रतिनिधियों के द्वारा हल करते हैं या करवाते हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं। जितना जल्दी होए ये वार्ड बंदियां शुरू करके कार्य आगे का चुनाव का शुरू हो और जो भी जनता चाहे अम्बाला की जनता जिनको भी अपना जन प्रतिनिधि चुने, वार्ड MC चुने या मेयर चुने, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उनके कार्य जो है वो हो, जिसकी सुनवाई करने वाला प्रशासन में कोई नहीं है, कोई उनका जन प्रतिनिधि, तो वो प्रशासन ने सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कार्य संपूर्ण किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी का, प्रशासन का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्य को पूरा किया। यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सकेगा चुनाव जो घोषणा होगी इसके लिए हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता हर चुनावों के लिए तैयार रहता है, जनता के बीच में रहता है और हमेशा जनता के साथ रहती है। भाजपा की सरकार पिछले 6 सालों से है और 90 के 90 विधानसभा चुनावों में एक समान विकास करवाया और आने वाले नगर निगम के चुनावों में भाजपा केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी कोई स्पेशल चुनावों की तैयारी नहीं करती। हमारा कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच में रहता है, जनता के लिए आवाज उठाता है, सरकार की नीतियों को जनता के बीच में लेके जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे भारत का विकास किया है और ऐसे ही आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने पूरे हरियाणा का विकास किया है। 90 के 90 हलकों में हमने समान रूप से विकास किया है और उसी के अंदर अम्बाला जिला भी हमारा आता है और अम्बाला विधानसभा क्षेत्र जिसमें ये चुनाव होने जा रहा है वो भी इसी नियमित इस रीति में आता है कि 90 के 90 हलकों में हमने समान विकास किया, तो अम्बाला का भी हमने समान विकास किया है। तो हमारा जो आने वाला चुनाव का मुद्दा है उसमें हमारा मुद्दा विकास ही रहने वाला है।